हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी जैम कुकीज। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज बनाऊंगी कुकीज, तो इसके लिए आधा कप बटर ले लिया, आधा मेल्ट करके और अच्छी तरह से 5 मिनट्स बीट करूंगी, जैसे बटर का कलर चेंज हो जाए और फौदी हो जाए। तो इसके लिए 2 मिनट बीट किया और जो पीटी शक्कर आता है वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके और 5 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। देख ही सकते हैं एकदम कलर चेंज हो गया, क्रीम का जैसा बन गया। अभी इस टाइम ऐड करूंगी 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच ऐड करूंगी बेसन और ऐड करूंगी मैदा 2 चम्मच, ऐसे 1 कप जितना मिक्स होता है उतना ही मैदा ऐड करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए जो मैदा है वो मैं ऐड कर दूंगी। मिक्स करते जाऊंगी और 2 चम्मच करके ऐड करते जाऊंगी। और इसमें ऐड करूंगी वेनिला एसेंस फ्लेवर के लिए, 4 ड्रॉप ऐड किया। और बिस्किट बेक करके बनाऊंगी तो इसके लिए 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। अभी हल्का हाथों से अच्छी तरह से दो बना लूंगी। जैसे जैसे मिक्स होते जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और ऐसे ज़्यादा जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंदने का नहीं, ओनली समेटने का और हल्का हाथों से बाइंडिंग करने का। ऐसे करके करके बाइंडिंग कर लेती हूँ। अच्छी तरह से ऐसे डो के आकर गुड़ तैयार कर लिया। अभी ऐसे मोड़ लिया और जो कुकीज का डो बनाया था उससे ऐसे डिज़ाइन आसानी से दे सकते हैं। जो लोग को पास मोल्ट नहीं रहेगा तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा पोर्शन लेके ऐसे थाम के निशाना दे सकते हैं। तो जैसे पसंद ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो अभी सारे मोल्ट से ही मैं बना लेती हूँ। ऐसा डिज़ाइन बना लेती हूँ। सारे कुकीज़ को बना के रेडी कर लिया। जैम कुकीज़ बना रहे तो ऐसे 1 ड्रॉप करके जैम ऐड कर दूंगी कैविटीज में और 160 डिग्री में 15 मिनट्स बेक कर लूंगी। पहले से ही मैं प्री हीट होने के लिए रख दिया 180 डिग्री में 10 मिनट्स।
थोड़ा थोड़ा ऐड करने का। एक खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बेक करने के लिए तैयार हो गया, चलते हैं ओवन की तरफ। बेक होने के लिए कुकीज को रख दिया, अभी बेक होने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बना है। बहुत ही अच्छा कुकीज बन के रेडी हो गया, देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसे सारे कुकीज को निकाल के प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बहुत परफेक्टली बेक हुआ, तो ऐसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। उस सारे कुकीज को प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कितना सारा और कितना परफेक्ट बना है। ऐसे घर पे एक बार जरूर बनाइए। बिस्किट कुकीज बहुत सारा पहले से ही मैं अब उस किचन में देख के रखा, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आई होप वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।